ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ? ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮੈਲਬੋਰਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੂਰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ। ਸ਼੍ਰਾਈਨ ਓਵਰ ਮੈਂਬਰਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਮੈਲਬੋਰਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਮ ਫਿਰ ਮੈਂ रिवर में क्रॉस करते हुए जा रही साड़ी ट्रेन। जो सामने वो देख रहे हो जी तुम मेम्ब्रेंस बाहर आ गए जी। तो हम असी चलते इधर सामने का जो पार्क है जी सैड जो रह गए जी इधरली वाली सैड सिटी। इधरों आए हैं असं ट्रेन पर चढ़ के जी विक्टोरिया आर्ट गैलरी वगैरह सब इधर ही हम सामने ही नहीं। हम असं चलते हैं जी दूजी सैड देखो जी बहुत सोने लॉन पार्क के जी फौजियों की यादगार वो सामने रिमा स्थे क्या जाता है श्राइन ऑफ रिमेंबरेंस मतलब यादगार। तो इधर बिल्डिंगा इधर सैड के बोटैनिकल गार्डन भी है। दोस्तों आ जी श्राइन मेम्बरेंस है वो एंट्री से ही इसमें स्टार्ट होंगे क्योंकि काफ़ी व्डे व्डे लॉन से पार्क वगैरह बने हुए ने। तो ये एंट्री पर एक बहुत सोहना ब्यूटीफुल इन्होंने फुहारा लाया हुआ है। वेरी ब्यूटीफुल व्यू है झरने का। लो जी देखो खूबसूरत बरसात भी शुरू हो चुकी है। इसलिए पहला आए थे उधर ज़्यादा सोहना व्यू से क्योंकि थोड़ा जहा रेनी जहा डे मे बी हो सकता आफ्टरनून दोपहर कोई धुप वगैरह निकले। तो असं उ लगभग पूरे पहुँच चुके हैं जी। उद ही जो सामने देख रहे हो तो चार चुपेरे इसे ही गार्डन ने। देखो कि ग्रीनरी सोहना व्यू है इतने गर्मी वगैरह के काफ़ी तो मज़ा आता है बैठा था क्योंकि ठंडक बहुत होंगी है बूटिया के थले। तो श्राइन ऑफ रिमेंबरेंस भी ये बिच की दिख रही है तुम पहले पास सिटी तो ट्रेमा का व्यू है। होर जी दोस्तों तो जी दोस्तों तुम जिम्मे दसिया से भी अज असी मेलबर्न आया। मैं अज असी वीडियो बना रहे जो इतने तो श्राइन ऑफ रिमेंबरेंस जी कि फौजियों की यादगार है वो इतने मेलबर्न बनाई गई वर्ल्ड वार फर्स्ट सैकेंड के जिन्हें भी फौजी आस्ट्रेलिया वालों जिन्होंने पार्टिसपेट किया शहीद होए यह उन्होंने यादगार इतने बनाई हुई है। चाहे वह किसी भी देश के ज्यादातर देशों में इतने उन्होंने बोर्ड वगैरह नाम वगैरह सब कुछ इतने मैनशन किया होया। जिहड़ा उद्घाटन है दोस्तों यह 11 नवंबर 1952 यह इहदा उद्घाटन होया सीगा। तो जनरल सर डैलास ब्रुक्स जिहड़े कि गवर्नर ऑफ विक्टोरिया जिहड़ी विक्टोरिया स्टेट है ये गवर्नर द्वारा आस्ट्रेलिया की जिहड़ी विक्टोरिया स्टेट है वह गवर्नर जिते हम इस टाइम असीं खड़े मेलबर्न उहदी कैपिटल ऑफ स्टेट की राजधानी है। तो इहदा उद्घाटन होया सीगा। जिहड़ा स्टोन बोर्ड है मील पत्थर इन्होंने लाए हुए उहदे ते देख सकते हो जी। तो हौली हौली तुहानूं दिखाउंदे आ जी। वो देखो जी पिछे श्राइन ऑफ रिमेंबरेंस ये वाली है जी काफ़ी है जी थां ते बनी हुई है पौड़ियाँ वगैरह लेना पैंदा जी। ते दूसरी साइड जिहड़ी फ्रंट जिद्दन तुसीं देख रहे हो इहदा मूँह है जी उधरले पासे मेलबर्न सिटी है। तो दूजियां इहदियां सवर्ब इधरले साइड सेंट किल्डा हो गया ते होर साउथ ईस्ट सवर्ब आ गईयां काफ़ी पॉश एरिए जी ने।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਬਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੱਡੀ ਜੀ ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਸ ਪਰ ਪਿੱਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੰਬਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ 1939 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1945 ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਮੈਡੀਟ੍ਰੇਨੀਅਨ ਸੀ ਰੈੱਡ ਸੀ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਗਲਫ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ੀ ਜਾਵਾ ਸੀ ਕੋਰਲ ਸੀ ਐਂਡ ਪੈਸੀਫਿਕ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜੋਤ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਹੈ ਅਮਰ ਜਵਾਨ ਜੋਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੂਰੀ ਉੱਚੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਇਹਦੀ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲੈਗ ਵਗੈਰਾ ਕਾਫੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੋ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਟਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਫਲੈਗ ਨੇ ਉਹ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿੱਦਣ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਵੀਡੀਓ ਬੱਸ ਖੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਗਾਰਡਨ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਰੀਆ ਬਰੋਨੇਈ ਮਲਾਇਆ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੀਫ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੀ ਇਹ ਬਾਹਰਲਾ ਅੱਜ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪਰ ਅੱਜ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅੱਜ ਕਲੀਅਰ ਘੱਟ ਦਿਖੂਗਾ ਜੀ ਵਿਊ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਵਿਊ ਹੋ ਸਕੇ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦਾ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਿਊ ਹੈ ਸਿਟੀ ਦਾ ਮੈਲਬਰਨ ਸਿਟੀ ਇੱਥੋਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਮੈਲਬਰਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਦੀ ਸਬਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼੍ਰਾਈਨ ਆਫ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਿਊ ਹੈ ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਨੀਚੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵਿਊ ਹੈ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਚੂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਾਰਡਨ ਪਾਰਕ ਵਗੈਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰਿਆਲੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਓ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਗੇਟ ਹੈ ਜੀ ਮੇਨ ਸ਼ਾਇਦ ਐਂਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਟੇਜ ਟਾਈਪ ਜੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਜਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਦਾ ਵਿਊ ਕੋਈ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਟੂ ਦਾ ਗਲੋਰੀ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਐਂਡ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਦਿਸ ਸ਼ਰਾਈਨ ਵਾਜ਼ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਬਾਏ ਹਿਸ ਰੋਇਲ ਹਾਈਨੈਸ ਦ ਡਿਊਕ ਆਫ ਗਲੋਕਸੈਸਟਰ 11 ਨਵੰਬਰ 1934 ਨੂੰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ
ये दोस्तों मेन एरिया में एंट्री करने लगे हैं। तो ये देखिए यहाँ से चारों तरफ इन्होंने मेडल ही मेडल 4000 के करीब मेडल इन्होंने डिस्प्ले किए हुए हैं जो उन फौजियों के हैं जो उनको दिए गए थे। ये इसका एरिया ये देखिए से फौजियों के पुराने जो उनके ड्रेस वगैरह थी। कुछ अंधेरा है तो इसे थोड़ा क्लियर नहीं दिखेगा आपको। ये देखिए ये उनकी पिक्चर्स हैं पुराने, जैसे ये देखिए कितनी ओल्ड पिक्चर है ये खींची गई। तो ये सभी यहाँ पे डिस्प्ले किए गए हैं पुराने मेडल वगैरह। और ये देखिए गुलेल भी पड़ी है, ये देखिए गुलेल जो उसमें बनाई गई थी ते होंगे ये देखिए पुराने इसमें लगा के। तो बहुत ही खूबसूरत गैलरी है इधर चारों तरफ। ये देखिए तो इधर भी सारे पुराने उनकी क्योंकि पिक्चर्स जो हैं वो भी डिस्प्ले की गई हैं। ये खूबसूरत अंदर का दृश्य है, पुराने लेटर्स ये देखिए तो ये पुरानी ड्रेस। और ये थी लेफ्टिनेंट स्टैनले गोल्ड स्मिथ की 1917 से 1918 तक में जो इन्होंने ये। और ये टीवी पे वर्ल्ड वार का डिस्प्ले किया जा रहा है जी। इधर से घायल हुए जी। और इधर ये पुराना फ्लैग ऑस्ट्रेलिया का पूरे का पूरा इधर किया गया है। और ये पुरानी कश्ती बोट जिसपे कि सैनिक समय यात्रा करते थे युद्धों में भाग लेने जाते थे। एक से दूसरी जगह पुरानी ड्रेसिस स्पेशल डिस्प्ले की गई है। ये देखो ये बहुत ही खूबसूरत है। ये सी फौजी का स्टैचू लगाया गया है इस गैलरी में। ये देखिए गैलरी में ये सजाया गया सभी। ये दिखा गया सेकंड वर्ल्ड वार जो कि 1939 से 1945 तक हुई थी, उसकी जानकारी और उसमें शहीद हुए फौजियों का सभी का यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है जी। ये पुराने टाइप की कोई मशीन गन, ये देखो जी कितनी पुरानी है, देखो इसको कैसे चलाते होंगे। देखने में ऐसे कोई रोबोट जैसी लग रही है पर ये अच्छी होगी सर। और ये देखिए इसमें भी सेकंड वर्ल्ड वार का ही है। और ये वर्ल्ड का मैप दिया गया है जी इसमें। तो ये ऑस्ट्रेलिया का और इंग्लैंड का पूरा बड़ा झंडा फ्लैग इधर दर्शाया गया जी। टीवी पे स्क्रीन पे वर्ल्ड वार में हिस्सा लिया और कहां कहां वो गए। नाइन्थ डिवीजन द हीरोज ऑफ टोब्रुक स्टिल हैड वन लास्ट रोल टू प्ले इन द वॉर। अंदर से काफी बड़ी ये देखिए कितना सुंदर स्टैचू है घायल फौजियों को। कोई लोकल लोग वहाँ के फर्स्ट एड दे रहे हैं, उनको उठा के ले जा रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। देखिए बहुत बड़ी गैलरी है, इसमें बहुत कुछ दर्शाया गया है जी। बहुत अंदर से काफी। और ये देखिए ऑस्ट्रेलिया के पहले लोग थे जो ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री में जिन्होंने ज्वाइन की थी फर्स्ट इंडियन ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्स। अमेजिंग हिस्ट्री यहाँ बताई गई है, बहुत ही खूबसूरती से इसको दिखाया गया सभी चीज़ें यहाँ पे। गैलरी जो है वो काफ़ी बड़ी है, जगह
मेडल और मैप्स पुराने टाइप की, उन फौजियों की जो ड्रेसेस थी ये देखिए, पुरानी गन वगैरह यहाँ पे इसमें फ्लोर में डिस्प्ले की हुई है, और भी बहुत सारी चीज़ें ये देखिए खूबसूरत है, वाकई में बहुत खूबसूरत है। ओके तो दोस्तों हम सीधी सेकेंड मंजिल पर आ गए हैं, तो इतों हम असी चलेंगे बाहर इतों। देखो जी काफ़ी पौड़ियाँ पूड़ियाँ चढ़ने पे, पर थैंक गॉड एक लिफ्ट स्टाफ ने खोलती वो उपर दी, थोड़ा जा घट जोर लगे अगे सीटिंग ही सीटिंग मिले। दोस्तों इहदा जी आ देखो जी चार चुफेरे गैलरी, ये बाहर का व्यू है जी इतों का, ओ देखो जी दूर तक सिटी सिटी दींदा जी, इधर भी इहदियां सेंट किल्डा ते होर जिहड़ियां इहदियां साउथ ईस्ट दे सवर्बां ने मेलबर्न शहर दे नाल दियां ओह दिख रहियां ने, ते बहुत ही। चलो हम दूजी साइड सिटी का व्यू देखते हैं। देखो जी हम असं उपर आ गए हैं, कंधा के छत के उपर चढ़े आए हैं जी, वाह अज धुप निकली, देखो कि खूबसूरत सोहना लगता है शहर, बहुत ही सोहना है, वाह देखो जी, वो देखो जी इतों की हम ट्रेमा वगैरह जा रही ने, नीचे दे लॉन पार्क वगैरह जोड़े ये बने हुए ने, वाह देखो बिल्डिंगा दे विच दी तुसी देख सकते हो जी, समुंदर भी दिस रहा, देखो ध्यान नाल देखो तो और जी देखो नीला नीला नहीं, उपर बस इधर उपर नहीं जा सकते शायद यही एदा, आओ देखो ये चार चुपेरे। हाँ जी दूसरी साइड चल रहे जी, आओ जी हम दूसरी साइड आ गया एदा, वो इस तरफ ये सामने बोटैनिकल गार्डन है जी इतों का, ये उदा वीडियो उधर दिखाने थोनू, वाह जी देखो थले बहुत सोहना व्यू है जी, सिटी बहुत खूबसूरत लग रहा है इतों, देखो जी वाह जी बना ली हूँ और जी हम असं इतने छत पर खड़े हैं, हम असं वापस थले जा रहे हैं, काफ़ी थोड़ा सा अंधेरा भी है, हम असं जा रहे हैं काफ़ी तुरते हुए, थोड़ा व्यू और उतरते हुए वापस असं सेकेंड मंजिल पर आ चुकी है, इतने भी काफ़ी कुछ इन्होंने डिस्प्ले वगैरह देखो किए हुए जगह जगह इन्होंने रखे हुए, पुरानी बुक्स तो फौजियों के इन्होंने उपर देखो नाम लिखे हुए जी, बहुत ही सवेरे गैलरी बहुत अंदर नेरा भी है काफ़ी, इधर तुम देख रहे हो इधर इधर एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि अजय सर्विस इतने होगी, मतलब श्रद्धांजलि देंगे इतने प्रेयर वगैरह करते हैं, तो फिर करके मतलब स्टाफ की वीडियो वगैरह बना अलाउड नहीं है, तो हम इधर भी चलते हैं जी, देखो जी विजिटर सेंटर, गैलरी चो बाहर आ गए हैं जी, तो इधर वाली साइड जिहड़ा एग्जिट डोर है उधर ते असीं बाहर जावांगे, दूसरी तरफ बनाया हुआ एग्जिट डोर, एंट्री मेरे बैक साइड जिहड़ा डोर सी उधरों हुई सी,
जी दोस्तों तुहानू अंदर का जिहड़ा दृश्य दिखाता है वाह वधिया लग रहा अज खूबसूरत डे